आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ़ायदेमंद आम के मुरब्बे की रेसिपी। इसमें भरा है विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, सिलेनियम और आयरन जैसे पोषक तत्व, तो जिससे ये आपकी इम्यूनिटी को कर देगा बूस्ट। आपके डाइजेशन को ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर देगा। साथ ही अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कब्ज़ वगैरह की दिक्कत रहती है तो उससे भी आपको निजात दिलाएगा ये आम का मुरब्बा। तो चलिए इस टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मुरब्बे को बनाना हम शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी कच्चे आम का मुरब्बा। उसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आम लिए हैं। इन आमों को अच्छे से हमने वॉश करके ले लिया है। आम जो आपको चूज़ करने हैं उसके में ध्यान रखना है आपको कि आम काफ़ी ज़्यादा पल्पी हो, यानी उनमें गूदा अच्छी मात्रा में हो, तो आपका जो आम का मुरब्बा बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। हमने एक बॉल ले लिया है। इस बॉल में हम डाल देंगे अपने कच्चे आमों को और इन आमों को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरीके से भीगने देंगे। आम को इस तरीके से डिबो करके रखने से आम के अंदर की जो गर्मी वगैरह होती है वो निकल जाती है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, आम हमारे बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इन्हें पोंछ करके साफ़ कर लेंगे। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम इन आमों को पील कर लेंगे। इनका छिलका ऊपर से हमें हटा देना है। ये देखिए, हमने इस तरीके का पीलर लिया है और इससे आसानी से आम हमारे छिल जाएंगे। आम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। इसी के साथ इसमें कैल्शियम वगैरह भी होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसी तरीके से हम सारे आमों को छील लेंगे। ये देखिए, आम को पूरा हमने पील कर लिया है और इसके ऊपर जो ये पार्ट होता है, हेड पार्ट आप कह सकते हैं, इसको हमने कट करके निकाल दिया है। आप चाहे तो आमों को कट करके ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आमों को ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से जो आम का मुरब्बा बनता है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम जो आम यहाँ पर ले रहे हैं वो गुठली वाले आम ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम ग्रेट करके आम का मुरब्बा बनाते हैं तो बीच में गुठली भी नहीं आती और बच्चों को खाने में आसानी रहती है। इसी तरीके से हम सारे आमों को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, सारे आमों को हमने ग्रेट करके ले लिया है। आम की जो ये गुठली निकल के आई है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही फेंक सकते हैं या फिर इसको आप दाल वगैरह में डाल लीजिए। दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खट्टापन होता है। आम को ग्रेट करने के बाद लगभग ये हमारे पास 400 ग्राम आम बचा होगा, आम का पल्प, क्योंकि इसमें गुठली और छिलके वगैरह निकल चुके हैं। ये देखिए, आम का पल्प हमारे सामने निकल के आ चुका है। अब हम इसे बनाएंगे आम का मुरब्बा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए मिश्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है तासीर में, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाती है, हमारे पाचन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आप चाहें तो यहाँ पर शुगर का या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम पल्प है, तो उसके लिए मैं 400 ग्राम ही मिश्री का पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मिश्री थोड़ी सी कम मीठी होती है शुगर की अपेक्षा। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर मिठास को। अब हम इसको 1 घंटे के लिए इसी तरीके से रेस्ट पर छोड़ देंगे। अभी इसमें से पानी निकलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये गीला हो जाएगा पाउडर। ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है और आमों ने बहुत ही अच्छे से पानी को छोड़ दिया है। अब हम इनको पकाएंगे। हमने एक स्टील की कढ़ाई ले ली है। अब जो हमने आम का मिक्सचर तैयार किया है उसको इसमें हम डाल देंगे। कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर चढ़ा लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये अचार बनाएं तो इस अचार को बनाने के लिए आप किसी एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, साथ ही नॉन स्टिक बर्तन का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, तभी आपका अचार हेल्दी बनेगा। हम यहाँ पर स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस अचार को मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डाला है। ये देखिए, आम से ही पानी निकला है कितना सारा। इस तरीके से जब आप आम का अचार बनाते हैं मीठा वाला, तो आपकी गैस भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है अगर आप थोड़ी देर के लिए आम को रेस्ट देते हैं। देखिए, बीच बीच में चलाने का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी इसमें से और पानी निकल रहा है,
इसी के साथ हमारे आम भी पक जाएंगे, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आमों को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और इस समय डालने पर इसका अर्क अच्छे से आ जाएगा हमारे अचार में। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ये सौंफ, ये डालना ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 पिंच नमक, इससे हमारे मुरब्बे का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही हल्की मात्रा में आपको नमक का इस्तेमाल करना है। वैसे कुछ लोग मुरब्बे में नमक नहीं डालते हैं लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है हमारा मुरब्बा। और इसमें मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा कलर के लिए आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये डालना ऑप्शनल है टोटली। इससे हमारे मुरब्बे में काफ़ी अच्छा कलर आएगा। ये देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मुरब्बा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हल्का सा मुरब्बा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 इलायची का पाउडर, इससे हमारे मुरब्बे में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा अच्छा। आप इसको गरम गरम में मत डालिएगा, हल्का सा ठंडा हो जाए तभी डालिएगा। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। मुरब्बे को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर ये कांच का कंटेनर ले लिया है, कांच का कंटेनर हमने अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हम इसमें अपना मुरब्बा ये डाल देंगे। कांच के कंटेनर में रखने से मुरब्बे की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ये देखिए कितना अच्छा मुरब्बा हमारा बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरीके से सारा मुरब्बा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए सारे मुरब्बे को हमने अपने कंटेनर में सर्व कर लिया है। वाओ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यमी, टेस्टी और सेहतमंद आम का मुरब्बा हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। इस तरीके का मुरब्बा अगर आप गर्मियों में बना करके खाते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा, उनकी याददाश्त को तेज़ करेगा, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, साथ ही उनकी आँखों को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका आम का मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनता है। पहला, अगर आप आम को भिगो करके लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। आप चाहें तो इसको रात भर भिगो कर भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब उसमें शुगर या फिर आप मिश्री पाउडर ऐड करते हैं या फिर गुड़ डालकर बनाते हैं तो उसको थोड़ी देर का रेस्ट दीजिएगा, ताकि उसमें जो भी वाटर है यानी कि आम के अंदर का जो पानी है वो निकल आए, जिससे उसी आम के पानी के साथ आप अपना मुरब्बा तैयार करिए। इससे आपका आम का मुरब्बा सालों तक ख़राब नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप आम का मुरब्बा बनाएं तो उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए ध्यान रखें कि केवल 5 से 10 मिनट ही इसको आपको पकाना है। जैसे ही आम सॉफ्ट हो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आम के मुरब्बे की जगह आपकी आम की कैंडी बन जाएगी। मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़, कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।